अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो चलिए दोस्तों, आज बनाती हूँ तुरैयाले की मसालेदार सब्जी। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ रेसिपी को। आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्किप करके ना देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। जी हाँ, सबसे पहले हमें डालना ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से हमें होने देना है गर्म। जी हाँ, जब तक ऑयल गर्म होती है, चलिए फटाफट से काटती हूँ प्याज। 2 प्याज ले लेना है हमें। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ तड़के। जी हाँ, थोड़ा सा जीरा, सॉरी सरसों है, और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। मेथी के 2-4 दाने, लाल मिर्ची 1 डाल दूंगी। इन सारे चीजों को अच्छी तरह से तेल में तड़कने देना है, इसकी खुशबू अच्छी तरह तेल में आने देना है। और जैसे ही अच्छी तरह से खुशबू आने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जो कि कट करके रखी हूँ यहाँ पर ही, यह मैं ऐड कर देती हूँ। प्याज को हल्का बादामी कलर होने देना है, और जब तक प्याज हल्का बादामी कलर होता है, आलू को कट कर लेना है। प्याज बादामी कलर होने पर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। प्याज के साथ अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें भूनना है। चूल्हे का फ्लेम को हाई रख के ही भूनिएगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुजा गया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले नमक डाल लेती हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। उसके बाद हमें डालना है कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ली हूँ धनिया का पाउडर 1 छोटा चम्मच। उसके बाद हम इसमें लेंगे हल्दी का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। इसी में हमें ऐड करना है मिर्ची का पाउडर 1 छोटा चम्मच। इन सारे चीजों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिला ले। टमाटर डाल दूंगी 1/2 कट करके, और ये छोटा सा एक टमाटर है, मैंने 1/2 में टमाटर डाल रही हूँ, छोटा साइज का है। अगर आपके पास बड़े साइज के टमाटर हैं, तो आप 1 ही डालें, ये बहुत छोटा टमाटर है, इसके लिए मैं 1/2 डाल दी हूँ। अच्छी तरह हमें मिला लेना है, और टमाटर को भी हमें सॉफ्ट होने देना है। नमक इसीलिए डाली हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसी में हमें डालना है 2 आलू कट करके। आप चाहे तो कोई आलू का कोई भी शेप दे सकते हैं कट करने के लिए, लंबे छोटे या फिर बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े पीसेस में आप कट करिए, कोई मसला नहीं है। आलू को भी हमें 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसालों में भूंजना है। आलू अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे तुरई को जो कि कट करके अच्छी तरह में रखी हूँ। छिलके, अच्छा छिलके उतार लीजिएगा तुरई का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क रहते हैं इसके छिलके, तो आप छिलकों के साथ बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह से सारी तुरई में डाल देती हूँ। अच्छी तरह से तुरई और आलू मसालों को मिक्स कर लेना है हमें, इस तरह से देखिए। और अभी हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि तुरई पानी बहुत छोड़ता है। जी हाँ, तुरई का पानी खुद होता है, जैसे कद्दू का, तुरई का, ये सब का, भाजी का खुद का पानी बहुत सारा रहता है, इसलिए इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस जरूरत पड़े तो बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हमें क्या करना है, चूल्हे को फ्लेम को लो कर लेना है, इस तरह ढक्कन को कवर कर ले, और धीमी आंच में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देना है कद्दू, सॉरी तुरई और आलू को। हमारा जो सालन है, सब्जी है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरह पानी छूटा है, और इसी पानी में तुरई और आलू सॉफ्ट हो रहा है।
वापस से ढक्कन को कवर कर देना है हमें और उसको इसी तरह छोड़ देना है जब तक पूरी जो पानी है इसी में हमें डालना है गरम मसाला। इसी में हमें डालना है गरम मसाला। कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी इस तरह से और हमारा बन के रेडी हो चुका है तुरई और आलू का मसालेदार सब्जी। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई रेसिपी आपको पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए वापस से कवर करती हूँ और विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलते फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में जरूर याद रखें।